ओके इन दिस सेशन आई विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टेंट. ठीक है, हाउ कॉन्स्टेंट विल बी डिक्लेयर्ड एंड व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग. ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टेंट पहले होते क्या हैं. कॉन्स्टेंट एक्चुअली क्या है, जैसे आपको कभी भी कोई भी प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे वेरिएबल, एक ऐसे पर्टिकुलर आइडेंटिफायर की नीड है कि जिसकी वैल्यू हमें फिक्स रखना है, कोई वैल्यू उसको डायनेमिकली चेंज नहीं कर सके, स्टैटिकली चेंज नहीं कर सके, हम उसके लिए क्या बनाएंगे, कॉन्स्टेंट. तो देखो कॉन्स्टेंट क्या होता है. ठीक है, कॉन्स्टेंट इट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू इन कंप्लीट प्रोग्राम. वी कैन नॉट ओवरराइड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. मतलब कंपाइलेशन हार्ड कोड की बात करें तो, एंड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन टाइम पे या कंपाइलेशन टाइम पे आप किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं कर सकते. कॉन्स्टेंट यहां मैंने लिख दिया इंट इंट एक्स इक्वल टू 100. फिर यहां पे लिख दिया मैंने एक्स इक्वल टू 200. इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. तो यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है. और यहां पर मैंने लिख दिया, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड. यदि आपने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया, देयर मीनिंग इज दैट कि ये क्या बन गया, कॉन्स्टेंट बन गया. ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है, कॉन्स्टेंट ऑलवेज, कॉन्स्टेंट शुड बी स्टैटिक. कॉन्स्टेंट एकदम क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना, क्योंकि आप वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते हो. ठीक है, बाकी आप ऐसा नहीं है कि डायनेमिक कॉन्स्टेंट नहीं बना सकते, लेकिन मोस्टली यदि आपको कॉन्स्टेंट बनाना है तो आप स्टैटिक कॉन्स्टेंट आपके लिए ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है. तो आप दोनों बना सकते हो. स्टैटिक कॉन्स्टेंट के लिए स्टैटिक कॉन्स्ट, यहाँ पर इंट y इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, 20 दे दिया. अब मैं इस y की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता. यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू 30 लिखूंगा तो ये आपको एरर दे देगा कि कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है सी शार्प में जो कॉन्स्टेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, तो जैसे वेरिएबल के लिए आपका कोई भी कीवर्ड नहीं है, यदि आप कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल ही बनेगा. और यदि आपने कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दिया, देयर मीनिंग इज दैट ये क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा. दिस विल बी कॉन्स्टेंट. ओके, तो मैं आपको इस पर एक प्रोग्राम के थ्रू भी डिस्कस करता हूँ कि हाउ वी कैन डिफाइन कॉन्स्टेंट. आई एम टेकिंग क्रिएटिंग वन प्रोग्राम क्लास कॉन्स्ट एग्जाम्पल. After that, I am taking a static void main. Here, I will write const int x equals to 100. console.writeline. ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप static के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है. आपका मेथड यदि स्टैटिक है और आपने इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो स्टैटिक ही होता है, अलग से आपको स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं. ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन अपन ने क्या किया, एक्स कर दिया. अब इसी के जस्ट नीचे मैंने एक्स इक्वल्स टू 20 दे दिया. ठीक है, नाउ आई विल कंपाइल दिस प्रोग्राम कॉन्स्ट एग्जाम्पल डॉट cs, const example dot cs. ओके, नाउ आई विल कंपाइल. इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, csc const example dot cs. नाउ सिंपली आई विल राइट यूजिंग सिस्टम, यूजिंग सिस्टम आई विल राइट. अब देखो यहां पर आपको एक कंपाइलेशन एरर दे रहा है, ये द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्स. आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो असाइन किया है वो वेरिएबल होना चाहिए या प्रॉपर्टी होना चाहिए या इंडेक्स होना चाहिए. आप कॉन्स्टेंट में असाइनमेंट नहीं कर सकते, ये आपको एक एरर प्रोवाइड करता है. लेकिन जैसे मैं ये लाइन हटाता हूँ तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा.
आप यहीं से देख सकते हो कि कॉन्स्टेंट में अपन जब असाइनमेंट ऑपरेटर ही नहीं लगा सकते, मतलब उसके अंदर वैल्यू ओवरराइड नहीं कर सकते, ये स्टैटिक कॉन्स्टेंट है। अब मैं एक डायनेमिक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्टेंट वाई इक्वस टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने वाई इक्वस टू फाइव दे दिया। अब मैं इस डायनेमिक कॉन्स्टेंट को यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस डायनेमिक कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है मैंने अभी समझाया था डायनेमिक के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, कॉन्स्ट एग्जाम्पल ओबीजे इक्वस टू न्यू कॉन्स्ट एग्जाम्पल, एंड नाउ आई विल राइट ओबीजे डॉट वाई इक्वस टू 20 एंड सिंपली आई विल कंपाइल दिस प्रोग्राम, अगेन इट विल मैनेज। ठीक है, मतलब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया ओबीजे डॉट वाई, कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल ओबीजे डॉट वाई, कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू कॉन्स्ट एग्जाम्पल एंड सिंपली आई विल रिमैनेज यर ओबीजे डॉट वाई। कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल नाउ आई विल सिंपली राइट यर वाई, एक्स इज असाइंड बट देयर वैल्यू इज नॉट यूज्ड। कॉन्स्टेंट को आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए आपको ऑब्जेक्ट, यदि आपने कॉन्स्ट लिख दिया ना, मतलब वो समझ लो स्टैटिक ही होता है, इसलिए कॉन्स्टेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, यदि आप बिना स्टैटिक लिखे भी कॉन्स्टेंट लिखोगे तब भी देखो आप कॉन्स्टेंट को अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते, ठीक है, क्योंकि देयर रीजन इज दैट, क्योंकि सीधी बात है कॉन्स्टेंट बनाना मतलब आपने वैल्यू फिक्स कर दिया तो फिर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपन किस लिए बनाते हैं, अलग अलग वैल्यूज के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मतलब है यदि आपने कॉन्स्टेंट बना दिया तो अलग से आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टेंट इज ओनली फॉर स्टैटिक, ठीक है। इसमें लिख सकते हो व्हेन वी यूज कॉन्स्ट कीवर्ड देन बाय डिफॉल्ट वेरिएबल स्कोप विल बी स्टैटिक, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको अलग से ऐसा स्टैटिक, मतलब कॉन्स्ट यदि आपने लिख दिया इन टैक्स तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, डिफॉल्ट इज स्टैटिक, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। आपको अलग से इसके अंदर यदि आप चाहो कि ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लो तो नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका डाटा अलग अलग होगा, और जब आपको जब ऑब्जेक्ट आपका बना तो जब डाटा आपको अलग अलग करना होता है, ठीक है, एक ही डाटा यदि आपको रखना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट ऑलवेज विल बी स्टैटिक, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा भी था कॉन्स्टेंट शुड बी स्टैटिक। कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, यदि आप ऐसा भी लिखोगे तब भी ये स्टैटिक है और ऐसा भी लिखोगे तब भी ये स्टैटिक, इसलिए आप ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, यदि लिख भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक कॉन्स्टेंट वाई इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, मतलब मार्क करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्टैटिक ही रहता है, ठीक है। आप यदि आप मार्क नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि स्टैटिक लिखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या रहता है, स्टैटिक ही रहता है, और यदि आपने स्टैटिक लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, स्टैटिक टू स्टैटिक हो जाएगा, इसलिए अपन को यहाँ पर अलग से स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये स्टैटिक ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्स्टेंट को समझ सकते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि कॉन्स्टेंट के अंदर कभी भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, और कॉन्स्टेंट जो है सिमिलर टू स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की, नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मेमोरी चेंज नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टेंट की ना तो वैल्यू चेंज हो सकती है और ना ही मेमोरी चेंज हो सकती है, ये नेचर किसके पास है, कॉन्स्टेंट के पास। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन।